हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज जो है हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था फिजिकल वर्ल्ड। उसमें हम लोगों ने समझा था फिजिक्स क्या होती है और ये जो है टेक्नोलॉजी से कैसे रिलेटेड है। ऐसी बहुत सारी चीज़ों को हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, लेकिन आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले यूनिट, ठीक है, यूनिट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, ठीक, इन सभी चीज़ों के बारे में और इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं। ठीक, तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। तो पहली यूनिट हमारी है फिजिकल फिजिकल क्वांटिटी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, पहले इसका हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद समझते हैं फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं। ठीक, तो द क्वांटिटी हुज मेजरमेंट इज नेसेसरी एंड which describe the laws of physics। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि ऐसी क्वांटिटी जिनको हम लोग मापें, ठीक है, जिनका मेजरमेंट करें, ठीक है, और इनकी हेल्प से हम लोग फिजिक्स के कुछ लॉज को क्या कर सकें, डिस्क्राइब कर सकें, फिजिक्स के नेचर को समझा सकें, ठीक है, या फिर फिजिकल ऑब्जेक्ट के नेचर को समझा सकें, ठीक है, वही हमारी क्या कहलाती है, फिजिकल क्वांटिटीज। तो क्या होती है, इनको मेजरमेंट करना जरूरी होता है, फिजिकल क्वांटिटीज को मेजरमेंट करना जरूरी होता है। तो क्या होता है, द क्वांटिटी हुज मेजरमेंट इज नेसेसरी एंड बाय विच वी कैन डिस्क्राइब द फिजिकल लॉज ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो ये होती है फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि हो गया लेंथ, हो गया मास, हो गया टाइम, हो गया, जैसे ये हमारी एक पेन है, ठीक है, तो इसकी फिजिकल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ये कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, ठीक है, तो चौड़ाई को भी इसकी हम लोग लेंथ ही मानेंगे, ठीक है, इसकी यूनिट एक जो होगी वो मीटर या सेंटीमीटर में ही हम लोग डिस्क्राइब करेंगे इसको। ठीक है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है, इनको मेजर करना जरूरी होता है। ठीक, ये चीजें होगी। अब हम लोग समझते हैं यूनिट क्या होती है, यूनिट, ठीक है, द डिफाइंड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, ठीक है, एक रेफरेंस नंबर होता है, एक क्या होता है, रेफरेंस नंबर होता है, यूनिट कहलाता है। जैसे कि हम कहीं पे जाएं, ठीक है, और कहें दे भैया जो हमको 5 किलो आलू दे दो, क्या दे दो, 5 केजी हमको चाहिए आलू चाहिए, तो यहाँ पे जो केजी है ये क्या हो जाएगा, यूनिट, और ये हमारा हो जाएगा मैग्नीट्यूड, क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो केजी क्या होता है, यूनिट होता है। अब 5 केजी को हम लोग कैसे ले सकते हैं, 5 × 1 केजी, 5 × कितना हो जाएगा, 1 केजी, तो यहाँ पे 1 केजी क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड यूनिट हो जाएगी, ठीक, एक वेल डिफाइंड अमाउंट हो जाएगा, आप कह सकते हो तो एक रेफरेंस नंबर होता है। अच्छा, यूनिट जो है आज से नहीं चला, ये बहुत पहले से चल रहा है। जैसे कि पहले क्या होता था, पहले हम लोग जाते थे कहीं पे, ठीक है, हमारे जो पूर्वज होते थे वो, उनको अगर रोप लेना है, रस्सी लेनी, तो कहते भैया एक हाथ की रस्सी दे दो, ठीक है, एक हाथ की रफ्फी दे दो, या फिर वो लोग कुछ ऐसे मेजरमेंट करते थे, ठीक है, ऐसे करके मेजरमेंट करते थे। तो ये सभी पहले के ज़माने की क्या होती थी, यूनिट होती थी, क्या होती थी, यूनिट होती थी, लेकिन इनमें प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, जैसे हमने दुकानदार से कहा भैया आपको एक हाथ की रस्सी दे दो, उसने एक हाथ की रस्सी आपके दे दी, ठीक है, और हमने अपने हाथों से नापा तो रस्सी क्या हो गई, छोटी हो गई, तो यहाँ पे यूनिट में क्या हो गई, प्रॉब्लम आ गई। इसके लिए साइंटिस्टों ने क्या किया, कुछ सोचा गया, कुछ ऐसा कर दे जो हर जगह वैलिड हो, ठीक है, हम कहीं पे भी जाएं वर्ल्ड में, हर जगह वैलिड हो जाए। तो इसके लिए उन्होंने एक वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो डिस्कवर किया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो एक ये रेफरेंस नंबर होता है, क्या होता है, रेफरेंस नंबर। जैसे अगर हम लोग लेंथ की बात करें,
लेंथ की बात करते हैं 5 मीटर, क्या होता है 5 मीटर, तो यहाँ पे मीटर क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा, और ये 5 क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। कहने का मतलब 5 मीटर को आप ऐसे भी लिख सकते हो 5 × 1 मीटर, 5 × 1 मीटर, ये 1 मीटर का कितने टाइम है, 5 टाइम्स है। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, एक रॉड ले ली, ठीक है, रॉड ले ली, इसकी लेंथ उन्होंने मेजर कर ली 1 मीटर, कितनी मेजर कर ली 1 मीटर। अब हम कहीं पर जाएंगे, कहें भैया आपको 5 मीटर की रोप चाहिए, तो क्या करेंगे, इस 1 मीटर को 5 टाइम काउंट करके दे देगा आपको। 1 मीटर की रॉड को कितने टाइम्स काउंट करेगा, 5 टाइम्स, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिट कहेंगे, क्या कहते हैं, यूनिट। तो द डिफाइंड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट, यूनिट कहलाती है। अब मेजरमेंट की बात है, तो मेजरमेंट किसे कहते हैं, मेजरमेंट को हम लोग समझते हैं, मेजरमेंट, मेजरमेंट, ठीक है। तो मेजरमेंट होता क्या है, ठीक है, द कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। तो मेजरमेंट क्या कहलाता है, किसी भी क्वांटिटी को आप उसकी स्टैंडर्ड यूनिट से कंपेयर कर दो, वही आपका मेजरमेंट कहलाता है। जैसे अगर हम समझे इसको कि 5 kg हम लेने जाते हैं, क्या आलू लेने जाते हैं ना, हाँ, अच्छा 3 मीटर का क्लॉथ लेते हैं, कितने का, 3 मीटर का, तो 5 kg क्या हो जाता है, 5 kg को जो है किससे कंपेयर कर रहे हैं, 1 kg से, किससे कंपेयर कर रहे हैं, 1 kg के। तो यहाँ जो 1 kg है ये क्या हो जाती है, हमारी स्टैंडर्ड यूनिट हो जाती है। तो किसी, अच्छा ये जो 5 kg का आलू है हमारा पोटैटो, ये क्या हो जाता है, फिजिकल, क्या हो जाता है, फिजिकल क्वांटिटी, एक प्रकार से कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी हो जाता है, ठीक है। और इसकी कंपेयर हम किससे कर रहे हैं, 1 kg से, इससे कर रहे हैं 1 kg में। तो द कंपेरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स स्टैंडर्ड यूनिट, तो स्टैंडर्ड यूनिट यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 1 kg, 1 kg का कितने टाइम हम ले रहे हैं, 5 टाइम्स, ठीक है। 3 मीटर है, इसको आप क्या लेंगे, तो 3 × 1 मीटर, 3 × 1 मीटर, तो यहाँ पे 1 मीटर क्या हो जाती है, हमारी यूनिट हो जाती है। तो यहाँ पे 3 मीटर को हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, क्लॉथ को किससे कंपेयर कर रहे हैं, 1 मीटर का 3 टाइम्स, 1 मीटर का 3 टाइम्स। तो यहाँ से आप कह सकते हो जो क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी, ठीक है, ये 3 है, 3 का मतलब कोई ना कोई नंबर होता है, और 1 मीटर ये आपकी क्या है, यूनिट है, ये क्या है, यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू इक्वल एक फार्मूला निकल के आ जाता है, n × u, कैसे आया, 5 kg को हम लोग क्या करते हैं, 5 × n kg, 5 kg क्या हो जाता है, नंबर हो जाता है, मैग्नीट्यूड हो जाता है, 1 kg क्या है, 1 kg क्या है, यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट है, 3 मीटर है, 3 हमारा क्या हो जाता है, कोई नंबर हो जाता है, और 1 मीटर क्या होता है, यूनिट होती है। तो नंबर को हम लोग n लिखते हैं, और इसकी जगह हम लोग क्या कर देते हैं, यूनिट लिखते हैं। तो क्यू इक्वल में n × u, ये आपके याद करने लायक फार्मूला आ गया, क्या होता है, मेजरमेंट। तो किसी भी आप फिजिकल क्वांटिटी को उसकी स्टैंडर्ड यूनिट से कंपेयर करते हो, वही हमारा क्या कहलाता है, मेजरमेंट कहलाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं यूनिट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए, यूनिट की प्रॉपर्टी। चलो हमने यूनिट तो बना ली, ठीक है, इतना जो है लंबाई, अगर हम वायर लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, रॉड लेते हैं, तो वो हमारा 1 मीटर होता है। लेकिन ये किन किन केसेस में सही होना चाहिए, तो वो हमारी प्रॉपर्टीज के अंदर रहता है। तो हम लोग समझते हैं इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ऐसे निकाल दें, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट्स, ठीक, इसकी प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, शुड बी प्रोड्यूसिबल, ठीक है। सेकेंड क्या होना चाहिए, शुड नॉट चेंज विद टाइम
टेम्परेचर ठीक है एंड एनी फिजिकल कंडीशन ठीक है। थर्ड की अगर हम लोग बात करें पहले इसको समझते हैं क्या होता है शुड बी प्रोड्यूसेबल ठीक है। तो जो आपकी यूनिट है जो आप बनाते हो उसको आप फिर से बना सको कभी वो नष्ट हो जाए हो सकता है कोई आपदा आ जाए ठीक प्राकृतिक आपदा आ जाए और आपने जितने भी रॉड्स बनाए हैं 1 मीटर के वो सभी क्या हो जाए नष्ट हो जाए ठीक है। तो नष्ट हो जाएंगे तो हमारी यूनिट क्या हो जाएगी बेकार हो जाएगी ठीक है। तो ऐसी यूनिट आपको बनाना पड़ेगा जो हमेशा कुछ भी हो जाए आप उसको फिर से प्रोड्यूस कर सकते हो फिर से बना सकते हो। तो यूनिट की जो प्रॉपर्टी है पहले वो क्या होती है शुड बी प्रोड्यूसेबल इसको हम दोबारा से इजीली तरीके से बना सकें। दूसरी क्या है शुड नॉट चेंज विद टाइम टेम्परेचर एंड एनी फिजिकल क्वांटिटी ठीक है। टाइम के चेंज होंगे मतलब टाइम के ज़्यादा होने पर समय के जाते हुए और टेम्परेचर के चेंज होने भी चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे अभी हमने ये मान लेते हैं 1 मीटर की रॉड है कितने मीटर की रॉड है 1 मीटर की 5 साल बाद हो सकता है ये बढ़ के 2 मीटर हो जाए 3 मीटर हो जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी यूनिट हमेशा क्या होनी चाहिए कि वो टाइम पे डिपेंड ना करे टाइम चाहे जितना हो जाए वो हमेशा वैसे की वैसी ही होनी चाहिए टाइम के साथ चेंजेस उसमें नहीं होने चाहिए। टेम्परेचर मान लेते हैं यहाँ पर रूम टेम्परेचर इसकी लेंथ कितनी है इस रॉड की लेंथ 5 मीटर है ठीक है। अच्छा इसका टेम्परेचर बढ़ा दे तो 5 से ज़्यादा हो जाए गर्मी बढ़ने में क्या हो जाए हो सकता है बढ़ जाए 6 मीटर हो जाए ठीक है 7 मीटर हो जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी यूनिट क्या है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड नहीं करनी चाहिए ठीक है। टेम्परेचर घटे या बढ़े आपने जो यूनिट बनाई है वो हमेशा एक्यूरेट पहले की जैसी होनी चाहिए और फिजिकल कंडीशन पे भी डिपेंड नहीं करना चाहिए ठीक है। जैसे हमने कोई रॉड ले ली ठीक है बारिश हुई इसमें लग गया जंग ठीक है जंग लगने के बाद उसकी कंटिन्यू उसकी जो यूनिट है वो क्या हो गई चेंज हो गई तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो पहला क्या प्रोड्यूसेबल होना चाहिए दूसरा क्या है टाइम टेम्परेचर और किसी भी प्रकार की फिजिकल कंडीशन पे डिपेंड नहीं करना चाहिए ठीक है। टाइम चेंज होने पर टेम्परेचर चेंज होने पर यूनिट में कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए ठीक है। तो वो एक अच्छी यूनिट मानी जाती है। थर्ड में हम लोग बात करते हैं ठीक है शुड बी प्रॉपर साइज ठीक है। इसकी प्रॉपर साइज होनी चाहिए ठीक है जो हर जगह वैलिड हो इसकी क्या होनी चाहिए प्रॉपर साइज होनी चाहिए जो हर जगह वैलिड हो। फोर्थ क्या होता है शुड बी वाइडली एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ आप इस यूनिट को लेकर के कहीं पे भी चले जाओ ठीक है अमेरिका ब्रिटेन कहीं पे भी आप चले जाओ ये हमेशा वही यूनिट होनी चाहिए ठीक है। उसके मतलब कि उसकी जो वैल्यू है 1 मीटर की है तो ये हर जगह वैलिड होनी चाहिए 1 मीटर ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ इंडिया से हम इसको 1 मीटर लेके चलते हैं अमेरिका जाते जाते 2 मीटर की हो गई 3 मीटर की हो गई या फिर उन्होंने कहा नहीं हमारे यहाँ ऐसी यूनिट चलती ही नहीं है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई ऐसी यूनिट साइंटिस्टों ने बनाई उन्होंने कहा कुछ ऐसा कर दो कि हर जगह वैलिड हो हम वर्ल्ड में कहीं पे भी चले जाए ठीक है वो वैलिड हो। तो ये क्या बोलते हैं शुड बी वाइडली एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड हर जगह उसको एक्सेप्ट किया जाए। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी यूनिट से रिलेटेड ठीक है। अच्छा इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इसको मिटा देते हैं ऐसे मिटा दो भाई हाथ से किसी नजर को टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ठीक है। तो आपकी फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार की होती है ये 3 प्रकार की होती है कितने प्रकार की होती है 3 टाइप्स की होती है। पहला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ये कैसी क्वांटिटी होती है ठीक है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है जो खुद पे डिपेंड होती है ठीक है। जैसे कि कोई रॉड है ये हम मान लेते हैं बॉक्स है ठीक है
इस बॉक्स को हम क्या कर सकते हैं, इसकी लेंथ बता सकते हैं, बहुत ज़्यादा करें तो इसकी लेंथ बताएंगे, ठीक है। लेंथ बताएंगे भैया ये 2 मीटर का रॉड है, ठीक है, और इसकी ये लेंथ बताएंगे, ठीक है, वो भी एक प्रकार का लेंथ होता है, या फिर मास बताएंगे, क्या बताएंगे, मास। तो ऐसी क्वांटिटी जो खुद पे डिपेंड हो, उनको किसी और तरीके से आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, वो हमारी कहलाती फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अगर हम बात करें, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाए कि ऐसे किसी एक देवता का नाम बताओ, ठीक है, जो गले में सांप पहनते हो, गले में सांप पहनते हो, तो आप बताओ कि भगवान शंकर है, ठीक है। तो भगवान शंकर को हम लोग किसी और तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, ऐसे एक और देवता का नाम बताओ जिनके सर पर जो है गंगा माता है, तो आप कह सकते हो भगवान शंकर। तो भगवान शंकर को आप क्या कर रहे हो, अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो, डिस्क्राइब कर रहे हो, लेकिन यहाँ जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है, इनको किसी और तरीके से आप डिस्क्राइब नहीं करते, माफ करना, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, तो क्या हो जाएगा, द क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट। तो ऐसी क्वांटिटी जो खुद पे इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, वो क्या कहलाती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाती है। ऐसे जो है हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, आइए हम लोग उनको पढ़ते हैं, क्या होता है, क्वांटिटी हो गया, इधर आप लिख लो भाई इनका यूनिट लिख लो, ये इधर आप सिंबल लिखना चाहो सिंबल लिख लो, ठीक है। ये सीरियल नंबर होता है, 1 है पहली क्वांटिटी हमारी, क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी, क्या होती है, लेंथ, ठीक है। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, क्या होती है, मीटर होती है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से, सिंबल इधर लिख लेते हैं, सिंबल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सेकेंड मास, किसकी बात कर रहे हैं लोग, मास की बात कर रहे हैं, तो मास की जो यूनिट है वो कितनी हो, क्या होती है, किलोग्राम, क्या हो जाएगी, किलोग्राम, किलोग्राम की का सिंबल क्या होता है, केजी होता है, ठीक। थर्ड लेंथ मास हो गया, टाइम की बात करते हैं, किसकी बात, टाइम, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड, सेकेंड होती है। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फोर्थ होता है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, एम्पियर होती है, होनी नहीं चाहिए, होती है, एम्पियर होती है, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। फाइव टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर, कैल्विन के से डिनोट करते हो आप लोग। सिक्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई, ठीक है, इंटेंसिटी, ठीक है, लूमिनस इंटेंसिटी। इसकी जो यूनिट होती है, कैंडला होती है, आप सीधी से रिप्रेजेंट करते हो। सेवन नंबर पर होता है आपका, क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। मोर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी यूनिट मोर होती है, आप MOL लिखते हो। तो ये हमारी कुछ क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है, 7 होती है, ठीक है। इनके अलावा 2 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और होती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। पहले हम 7 को एक बार फिर समझते हैं। लेंथ होता है, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। मास किलोग्राम, टाइम सेकेंड होता है, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर होता है, टेम्परेचर कैल्विन, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, मोल होता है। ये कुछ क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो ये पहला हो गया, फिजिकल क्वांटिटी का पहला पार्ट हो गया। सेकेंड जो होता है वो क्या होता है, हम लोग समझते हैं, ज़्यादा डस्टर नहीं मिला, चलिए इसको मिटाते हैं। सेकेंड में लोग बात करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी या फिर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब ये क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है, हम लोगों ने समझा फंडामेंटल क्वांटिटी जो खुद पे डिपेंड होती है, लेकिन डिराइव्ड क्या होती है, खुद पे डिपेंड नहीं होती है। ये फंडामेंटल क्वालिटी क्वांटिटी की हेल्प से बनाई जाती है, ठीक है।
तो आप लिखते हो विच कैन डराइव फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, तो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी जिनको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से डिराइव करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें, ठीक है, आपका फोर्स हो गया, क्या हो गया? फोर्स। ठीक है, फोर्स, फोर्स का क्या लिखते हो? मास इक्वल एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है? मास। ठीक है, मास का केजी हो जाता है, एक्सेलरेशन का मीटर पर क्या होता है? सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे केजी, केजी हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मास। तो मास, लेंथ और टाइम, ये तीन चीजों से मिलके बना है। किससे मिलके बना है? मास से मिलके बना है, ठीक है, लेंथ से मिलके बना है, और किससे मिलके बना है? टाइम से। तो जो फोर्स हमारा हो रहा है वो मास, लेंथ और टाइम से मिलके बना है। मास हमारा क्या होता है? हमने अभी पढ़ा कि फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। लेंथ क्या होता है? फंडामेंटल क्वांटिटी। टाइम भी क्या होता है? फंडामेंटल क्वांटिटी। तो क्या होता है, जो फोर्स है ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से डिराइव कर रहे हैं, बना रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक और समझ लेते हैं हम लोग। जैसे कि बात करें एरिया, ठीक है, एरिया एल इंटू बी फार्मूला होता है, मीटर स्क्वायर यूनिट होती है, मीटर इंटू मीटर। ठीक है, तो ये कुल मिला के लेंथ से मिलकर बना है। इससे मिलकर बना है लेंथ से। ठीक है, दो आप लेंथ को दो टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको क्या मिल जाता है? एरिया। ठीक है, तो इसको भी हम लोग किससे डिराइव कर रहे हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी से। इसी प्रकार से हमारा हो जाएगा वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी हो गया, वैल्यूम हो गया, तो ये सभी चीज़ें क्या होती हैं? वर्क हो गया। ये सभी चीज़ें हमारी क्या होती है? डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, जिनको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से डिराइव करते हैं। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब जो थर्ड पार्ट होता है फिजिकल क्वांटिटी का, वो होता है सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी। तो थर्ड को लोग समझते हैं क्या होता है? थर्ड सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। इसमें दो क्वांटिटी ले ली गई है। ठीक है, पहले तो फंडामेंटल क्वांटिटी सात होती थी, उसके बाद दो और अलग से ऐड कर दी गई, जिनको अलग से ऐड किया गया उसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री। क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री। वो पहला होता है प्लेन एंगल, क्या होता है? प्लेन एंगल, और दूसरा होता है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल की जो यूनिट है वो बताई गई रेडियन। क्या बताई गई? रेडियन। ठीक है, रेडियन आप लिख लो, इसका सिंबल लिख दो आर ए डी। ठीक है, इसका होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। तो ये जो होती है हमारी प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ये किसमें आ जाती है? सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर। ये हो गए कुछ टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्या होती है? टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब हम लोग पढ़ते हैं, आप क्या पढ़ेंगे भाई? आज डस्टर नहीं मिलाया, सिस्टम, सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट। ये क्या होता है? सिस्टम ऑफ यूनिट। जितनी भी प्रकार की यूनिट बनाई गई है, ठीक है, उनको एक सिस्टम से रखा गया। एक किससे रखा गया? सिस्टम से रखा गया। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, तो कंप्लीट सेट ऑफ, कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स इन विच, इन विच फंडामेंटल, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड बोथ यूनिट्स इंक्लूडेड, इंक्लूडेड। ठीक है, तो क्या होता है? कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट होता है, सभी यूनिट को एक कंप्लीट सेट से रखते हैं। ठीक है, जिसमें फंडामेंटल क्वांटिटी को भी रखा गया और डिराइव क्वांटिटी को भी रखा गया। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट को भी रखा गया और डिराइव यूनिट को भी रखा गया। तो जैसे कि सिस्टम ऑफ यूनिट में कुछ नेम होते हैं, जैसे हम लेते हैं सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम में क्या होता है? इसमें हम लोग
लेंथ हम लिख लेते हैं पहले लेंथ, ठीक है, मास और टाइम, लेंथ मास और टाइम। तो सेल्सियस में लेंथ को हम लोग सेंटीमीटर में मापते हैं, किस में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, और टाइम को किस में, सेकेंड में। तो ये हमारा सिस्टम कैसा कहलाता है, सेल्सियस सिस्टम कहलाता है। सेकेंड FPS सिस्टम, FPS सिस्टम, इसका मतलब क्या हुआ, लेंथ को हम लोग फुट में मेजर करते हैं, किसमें, फुट में। लेंथ को किस में मेजरमेंट करेंगे, इसका फुट में करेंगे, मास, मास क्या होता है, पाउंड में, पाउंड में मेजरमेंट करते हैं, टाइम, टाइम को हम लोग सेकंड में मेजरमेंट करते हैं। तो ये सिस्टम हमारा कहलाता है FPS सिस्टम, ठीक है। थर्ड की बात करते हैं हम लोग, थर्ड होता है MKS सिस्टम, MKS सिस्टम, ठीक है। अब इसमें लेंथ को किस में हम लोग मेजरमेंट करते हैं, लेंथ को मीटर में, मीटर में, मास को किस में, किलोग्राम में, और टाइम को सेकंड में, टाइम सामने वही रहेगा, सेकंड में मेजरमेंट करते हैं। फोर्थ होता है, फोर्थ आपका है SI सिस्टम, SI सिस्टम, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं, फुल फॉर्म इसका क्या होता है, सिस्टम, ठीक है, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल डी, नेशनल और साथ में क्या, ये फ्रेंच लैंग्वेज है, कैसी लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, इसमें जितनी भी यूनिट होती है उनको हम लोग 10 के मल्टीपल में रख सकते हैं, इसमें हम कहते हैं 10 के मल्टीपल में। जैसे पहले क्या होता था, पहले 12 इंच को 1 फुट कहा जाता था, कितना कहा जाता था, 1 फुट, 3 फुट को 1 यार्ड कहा जाता था, क्या कहा जाता था, 1 यार्ड कहा जाता था, ठीक है। अच्छा 660 यार्ड को 1 फर्लॉन्ग कहा जाता था, ठीक, और जो है 8 फर्लॉन्ग को 1 माइल कहा जाता था, 1 माइल, ठीक है। तो आपको इनसे माइल तक पहुंचने में इतनी चीज़ें याद करनी पड़ती थी, लेकिन SI यूनिट जो होती है, SI सिस्टम क्या होता है, ये कहता है कि अगर आपको, जैसे आपका होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है, 100 सेंटीमीटर को हम लोग क्या कहते हैं, 1 मीटर कहते हैं, ठीक है। अच्छा 1000 मीटर ये क्या कहलाएगा, 1 किलोमीटर, ठीक है। 1000 ग्राम ये क्या कहलाता है, 1 kg। तो इसमें जितनी भी यूनिट होती है वो 10 के मल्टीपल में होती है, किसमें होती है, 10 के मल्टीपल में। तो इसको याद करना क्या होता है, इजी होता है, तो ये हमारा किसके अंतर्गत आता है, सिस्टम इंटरनेशनल डी के अंतर्गत, SI सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। तो बस इतना ही आपको यूनिट मेजरमेंट में पढ़ना था, इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगला जो है इसी में डाइमेंशंस के बारे में, ठीक, तो वो लेक्चर आप आगे समझना। बस आपके लिए इतना ही, थैंक यू।